वालेकुम सलाम। क्या देख रहे हैं आप बेबी? मक्का लाइव। मक्का की बात याद आ रही। याद आ रही आपको? शौहर जी, अनु को मक्का की याद आ रही, मुझे मक्का की याद आ रही। और फिर उसको रोना आता, फिर वो ये है। अभी वो बोली क्या, उसने ये टच कर लिया, वो उसको ये है, तो वही मैं उसको इसमें दिखा रहा तुम्हारे ब्लॉग में, क्या देखो तुमने टच किए है। हाँ, तो वो टच किए मम्मा दिखाते, अभी आएगा ना तो ये। तुम अच्छे से आज रोजा रख रही हो ना बेबी, तो आज अच्छे से अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको फिर से वहाँ पे बुलाए, ठीक है? ओके मम्मा। वो जब भी हम देखती है ना मक्का लाइफ, तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वो भी दिखा था, मैं उसको भी टच किया था तुमने। वो बोल रही है कि उसने मकाम में इब्राहिम को टच नहीं करे, उसको मकाम में इब्राहिम नहीं पता, तो वही मैं दिखा रहा हूँ उसको कि वो भी टच किए थे करके। हाँ, अभी वो क्लिप आएगा तो पता चलेगा ऐसे है। अभी देखो फिर से उसकी ये चालू है, जिद चालू है, उसको जाना है। और मतलब इतनी सी ये चिटुकली है, उसकी ख्वाहिश देखो ना, बच्चे बोलते हैं यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ, डिज्नी वर्ल्ड ले जाओ, लेकिन ये क्या बोलती है, कहाँ जाना है आपको शनि? सऊदी जाना है आपको? अल्लाह अल्लाह के घर जाना है? क्यों? मुझे बहुत याद आ रही। आपको बहुत याद आ रही है वो? शहरी के बाद मिलते हैं। अच्छा ठीक है। तो अनु आज कर रही है सहरी, वो रात भर सोई नहीं है, इस चक्कर में सहरी करके सोएंगी बोल रही है। अभी वो क्या है पता है, अभी अभी ना मतलब करा तो रहे सहरी, पता नहीं अल्लाह उसको सब्र दे, हम तो यही दुआ करेंगे, बट अगर बहुत उसको ज़्यादा तकलीफ हो गई तो नहीं रखवाएंगे, बट कोशिश पूरी करेंगे, बस अल्लाह इसको सब्र दे, है ना शानी? है ना, आप रख रहे हो मेरा? और आप पीछे देख सकते हो क्या दिख रही है उसको, आज पता नहीं वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आज कंटिन्यू, आज क्या वो हमेशा मतलब ये ब्लॉग लगाती है या फिर मक्का लाइव लगा कर बैठ जाती है और एकदम सैड हो जाती है। बस आप दुआ करना कि अनु को वापस वहाँ पे जाने का मौका मिले, और अल्लाह ये इसका मेरी बच्ची का इतनी चिटुकली का रोज़ा कबूल करे और उसे हिम्मत आए कि आज का रोज़ा हो जाए कैसे आसानी से, है ना? बोलो आमीन, आमीन आमीन। वैसे तो मालूम है कि इतने से बच्चे पे फर्ज नहीं है, फिर भी उसका पिछले साल तो पहला रोजा, पिछले साल पहला रोजा ऑलरेडी हो चुका है। अगर जो न्यू सब्सक्राइबर है जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं, उसका पहले रोजे का भी आप व्लॉग देख सकते हो, लास्ट में उसको सब राउंड राउंड हो रहा था। अब ये साल क्या होता तो है, ऐसे कुछ नहीं, अभी इस बार भी वो खुद से जिद कर रही थी, इतने दिन से हम टाल रहे थे, लेकिन आज शब में वो जागी तो वो बोल रही है कि नहीं आज मैं रख ही रहूंगी करके, तो हम बोले इंशाल्लाह चलो ठीक है, तुम कोशिश कर लो, तो अगर होता है तो ठीक है। और अनाया दूध केला रोटी खा रही है, और बस मैं रात भर उसको थोड़ा 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 खिला ही रही हूँ और पानी कंटिन्यू दे रही हूँ ताकि उसका जो है पानी का ज़्यादा इंटेक हो और उसको दिन भर प्यास ना लगे। अभी वो बहुत छोटी है ना, 5 साल की है, 5 साल में एक बच्चे को लग ही जाती है ना, क्या करे थी छोटी सी माशम सी प्यारी सी, सब उधर ध्यान है ना, अल्लाह के घर पर ध्यान है शनि का, बस अल्लाह संग मेरे बच्चे को, लव यू। तो अभी जो है हम लोग भी इसको खिलाते हैं और हम लोग भी सैरी करते हैं। वैसे आज कुछ खाने का दिल नहीं है, शौहर जी भी सिर्फ मलाई खाएंगे, उनको पराठा नहीं चाहिए क्योंकि रात में ज़्यादा हैवी हो जाता है, और आज शब थी तो शौहर जी मस्जिद से ही इतना लेट आए, 12:30 बजे आए, तो वो बोल रहे भूख नहीं है, 12:30 बजे उन्होंने पुलाव खाए थे, तो मैंने भी तभी खाना खाई थी तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। शौहर जी मलाई खाएंगे और मैं खजूर पानी पी लूँगी, बस उतना ही, और फिर जोया को उठाएंगे, जोया के लिए मैं रोटी बनाकर रख रही हूँ, और बस जोया भी अपना कर लेगी। जोया एक्चुअली बहुत थकी भी रहती है, सुबह भी ऐसे नींद में रहती है, इसलिए मैं उसका शूट नहीं लेती हूँ सहरी में ज़्यादा, तो बस सहरी करते हैं और इंशाल्लाह आपको मिलती हूँ, देखते हैं आज जोया अनाया का रोज़ा कैसे जाता है, जैसे भी आप लोगों से शेयर करेंगे, तो मिलते हैं फिर उठने के बाद। चलिए अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज है 27th रोज़ा और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आज का रोज़ा हमारे लिए सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि अनु रख रही है
रोजा। तो अब बस सहरी हो गई है और नमाज वगैरह पढ़ते हैं और अभी सो जाते हैं क्योंकि रात भर जगे थे। और फिर आप लोगों को उठने के बाद ये मैडम का क्या स्टेटस है सब कुछ बताते हैं, आज उसका क्या होने वाला है पता नहीं। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको सब्र दे और अच्छे से उसका रोज़ा चले जाए, ना तकलीफ़ हो ना कुछ। वैसे भी अल्लाह उसमें सब्र डाल ही देंगे, मुझे पता है। जब मैं नमाज हो जाएंगी कल का तो मैं पानी में फूकेंगे, फिर यम यम बन जाएगा। हाँ तो आप जो फूकेंगे ना वो दुआ का पानी होता है। जमजम हमको सिर्फ मिलता है सऊदी में अल्लाह के घर पे। ओके समझा। ओ इसको आप थोड़ा सा सौजी जमजम भी पिला दो ना। चलो जमजम पी के सो भी। ओके चलो अल्लाह हाफिज़ बोला सबको। अल्लाह पियो सीध राइट हैंड, राइट हैंड से पूरा पी लो। ओके आमीन। हो गई नमाज आपकी फजर की, अभी सोना है। चलो सो। अभी हाफ मॉर्निंग हो गई है। हाफ मॉर्निंग हो गई, अभी तुम उठो आफ्टरनून में, ठीक है, आराम से जोहर के टाइम पे, ठीक है। 3 o'clock भी उठेंगे, 3:30 को भी उठेंगे तो जोहर की नमाज मिल जाएगी। मैं स्कूल को भी उठ जाएंगे। हाँ तो अभी सो जाओ, स्कूल अटेंड करना, फिर वापस सो जाना, फिर उठ के जोहर की नमाज पढ़ना। ओके आपको पता है यूट्यूब फैमिली अभी ऑनलाइन हो गए क्या, फिर उसके बाद हॉलीडे। अरे वाह। अभी आपको पता है रमजान फिर खत्म हो गया। सैड होंगे आप, सभी सैड होंगे बेबी, सब मुसलमान सैड होने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा सैड होंगे। आप बहुत ज्यादा सैड होंगे। अल्लाह को बोलो बहुत जल्दी वापस रमजान लेकर आओ। दुआ करो। मुझे पता है कि रमजान हम लोग के लिए प्रेजेंट देता से। हाँ अल्लाह ने हमको प्रेजेंट में दिया होता है ना रमजान। अरे वाह कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम माशाल्लाह। चले अब बस हो गया, नजर लग जाएंगी शोनी। चलो सो जाओ। चलो अल्लाह हाफिज़ बोलो सबको। अल्लाह हाफिज़। और बोलो मेरे लल्ला और मेरे यूट्यूब फैमिली को भी अच्छा रखो। बोलो लल्ला मेरे यूट्यूब फैमिली को भी अच्छा रखो। भाग गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई नींद आपकी बेबी। हाँ इधर देखो कैसा जा रहा है आपका रोजा। अच्छा तो अभी होमवर्क कर रही है और हम लोग उसको आज यही रूम में बिठाए एसी में, बिकॉज बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, इसलिए उसको बोले कि थोड़ी देर अभी बैठ जा, फिर उसको मैं फ्रेश कराती हूँ, तब तक उसका होमवर्क भी हो जाएगा तो टाइम भी निकल जाएगा, और फिर उसको फ्रेश करते हैं। अरे वाह आपको प्लस एडिशन भी आता है। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बात है, उसको एडिशन भी आता है। वाह चलो माशाल्लाह वेरी गुड। 4 + 5 5 6 7 8 9 वेरी गुड। गुड गुड। चलो सबको सलाम करो, होमवर्क करो, फिर फटाफट थोड़ी देर के बाद रेडी करते हैं, ठीक है। शौर जी थोड़ी देर में ये लेके आओ, उसके उसको आज भी फूल पहनना है तो फूल लेके आओ, और मैडम की बिरयानी आज ऑर्डर किए है, मैडम को बिरयानी पसंद है इसलिए, और फ्रेंच फ्राइज लेके आ जाना उसके लिए, कस्टर्ड मैंने बना दिया है, ठीक है। नहीं स्ट्रॉबेरी नहीं बनाया, वो तुमने पिछली बार भी ठीक से नहीं खाई थी, तो आज मैंने फ्रूट कस्टर्ड, थोड़ा ना एनर्जी भी रहती है ना बेबी, अच्छा लगता है, ठीक है। चलो होमवर्क करो फिर आपको फ्रेश कर। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जा रहा आपका रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जा रहा। हाँ लग रहा नहीं ना कुछ, भूख प्यास लग रही है। नहीं क्या बात है, स्माइल तो दिखाओ इधर। माशाल्लाह। तो बस अभी आप देख सकते हो बहुत ही कम टाइम बचा है, 1 घंटे के आसपास टाइम बचा है, तो अनु अभी तक तो पार कर लिया है अनु ने रोजा,
माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं उन्होंने ये ड्रेस पहना है, वो वाइट फ्रॉक पहना रही थी, बट आज इतनी शदीद गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ, तो उसको बहुत गर्मी हो रही थी इसमें, तो फिर मैंने उसको ढीला ढाला कॉटन का यही सूट पहनाया, वरना बच्ची पहले ही रोज़ा है और उसको हमको परेशान नहीं करना था, इसलिए हमने ये ड्रेस पहनाया। उठा उठ के दिखाओ बेबी। अरे वाह, वो बिजी है अभी तस्बीह पढ़ने में, पढ़ो पढ़ो। आई लव यू। हो गया मेरी जान, आई लव यू। आप सो रहे? नहीं मम्मा, मम्मा बहुत खुश है। मम्मा बहुत ज़्यादा खुश होते ना तो भी मम्मा के आँख में आंसू आते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने आज इतने हिम्मत से, बिल्कुल सताया नहीं, बिल्कुल ऐसे कुछ मांगा नहीं, प्यास लग रही, भूख लग रही, कुछ नहीं, तो सोचो मम्मा को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। आई लव यू। मम्मा बहुत खुश है इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये खुशी के आंसू है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आपने देखा कितने शिद्दत से वहाँ पे इबादत चल रही है, आप कभी भी देख सकते हो, बस वो तस्बीह पढ़ते बैठी है। बस अल्लाह ने इतना मतलब आसानी से ये दिन गुजार दिया ना उसके लिए, कि उसने आज ये भी नहीं बोला कि मम्मा हलक सूख रही है या प्यास लग रही है या पेट दुख रहा है या कुछ भी, उसने थोड़ा भी नहीं बोला कुछ, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र से काम कर रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशी होती है इसलिए मैं, आप लोगों को तो पता है मैं इमोशनली खुश भी होती हूँ तो मैं, मेरे आँखों में आंसू आते हैं, और मैं दुखी भी होती हूँ तो आ ही जाते हैं, क्या करें, खुशी होती है ना। 5 साल की बच्ची ने रोज़ा रखा और वो कोई कंप्लेन नहीं कर रही है, सिर्फ फ्रिज में से ये निकाल कर बाहर रखी है, ये उसको ये खाना है बस, और उसने और कोई डिमांड नहीं की, और वो भी बोली मैं बाहर रखती हूँ इफ्तारी के बाद खाऊंगी, तो बस उसको उसने ये किया है आज बस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कितना मेहरबान है ना बच्चों पे, इनफैक्ट ज़्यादा मेहरबान है अल्लाह, कि अल्लाह इतना ज़्यादा सब्र दे देता है बच्चों को, वो भी ये 5 साल की है। हम लोग वही सोच रहे थे यहाँ पर पूना में इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, इतनी गर्मी में बच्ची ने रोज़ा रखा। और उसके अब्बा तो आज मतलब उड़ रहे हैं हवा में, तो आज दूसरा रोज़ा है, उसने पिछले साल भी पहला रोज़ा रखी थी, आज दूसरा रोज़ा है, फिर भी वो बोलते हैं कि आज भी मैं मेरे बच्ची को फुल पिनाऊंगा, और बस बिरयानी आज ऑर्डर दिए थे, बिरयानी मंगवाए हैं, तो बिरयानी अभी बहुत लेट ऑर्डर दिए ना तो इतने जल्दी रेडी नहीं हो गई, इंशाल्लाह मैं इफ्तारी के बाद सबको प्लेट दूंगी आज, क्योंकि आज है ना हमको प्लेट सारे, क्योंकि आज अनाया के साथ ही मैं थी दिन भर तो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, ये एक समोसे थे फ्रिज में तो ये मैं ट्राई कर रही थी, प्लेट्स आए थे तो मैं बोल रही थी इफ्तारी के बाद मैं सबको प्लेट्स बांटूंगी, क्योंकि अभी तक बिरयानी आई नहीं है, तो फटाफट शौर जी आते हैं, इसको फूल पिनाते हैं मेरी बच्ची को, और फिर हम लोग इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग ऐसे ही मेरे बच्चों को दुआ करते रहो, ये पीछे मेरी बच्ची भी बहुत थक जाती है बेचारी, वो भी रोज़ा रखती है, उसका भी बहुत बुरा हाल है, अभी अभी ट्यूशन से आई है, अब्बू नहीं है तो मेरा शूट भी कर रही है, तो बस अल्लाह हर किसी को ना ऐसे बच्चे दे, मेरे बच्चे जैसे हर किसी को ऐसे बच्चे मिले जो इतने प्यारे हैं माशाल्लाह। बस अब मैं सच्ची में रो दूंगी, अब मैं फटाफट इफ्तारी की तैयारी करते, आधा घंटा ही बचा है, ठीक है चलो। तो उसके अब्बा को इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि वो दूसरे रोजे पे भी उसको फूल पिना रहे। आई लव यू मेरा बच्चा, मैं बहुत 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 खुश हूं। थैंक यू। हाँ सब कोई बात नहीं, हमारे लिए तो तुम कभी भी रोजा रखो, हमारे लिए पहला ही रोजा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह।
अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, तो बड़ा गफूर रहीम है, तो कौन फैकून है। ए सातों ज़मीन और सातों आसमानों के मालिक है, बादशाहों के बादशाह है, ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाले। ए अल्लाह तूने ही ज़मीन को बिछाया है, तूने ही आसमान को बगैर सुतून के बुलंद किया है। ए अल्लाह तेरे सारे मुबारक नामों के तुफेल से दुआ करते हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे अनाया का रोज़ा कबूल फरमा। बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से उसने रोज़ा रखा है। अब थोड़ा थोड़ा उसको उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, बट हो गया। आमीन सुम्मा में। तो और हर हमारे बच्चों के नसीब अच्छे कर दे। आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों को सिवाय तेरे किसी का मोहताज न बना। आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों का पढ़ाई में दिमाग लगा। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन और दुनिया दोनों में तरक्की अता फरमा। अल्लाह तेरे सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह सही रास्ते पे चला, उनके जिंदगियों में खुशी अता फरमा। अल्लाह हर बला से, परेशानी से, मुसीबत से, लोगों की बुरी नजर, हाय उस बदवा, दलिंगरी, किरकिरी, हराम मौत से हिफाजत फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमने जितने भी गुनाह किए जाने अनजाने में वो सब माफ़ कर दे। ए अल्लाह हमारे घर में जितने भी लोग गुजर गए उन सभी के गुनाहों को बख्श दे, उन्हें जन्नत अता फरमा। हर एक लड़की के नसीब अच्छे करना, बस ये तो बहुत बड़ी दुआ है, ये तो मांगना ही मांगना है। दुनिया में जितने भी लड़कियां हैं उनके नसीब अच्छे। अन्नू 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 चलो हो गया बेटा, जस्ट अल्लाहुम्मा इन्नी लकासुमतु वबिका मंतु वालेका तवक्कलतु वाला रिस्किका अफ्तरतु पतकब्बल मिन्नी। पानी भी नहीं पी, इसने दो थोड़ा सा पानी तो पी लो। लाओ जरा थोड़े पानी को। रोजा हो गया, सेकंड रोजा, कांग्रेचुलेशन। उसका पेट दुख रहा है बेबी। रोजा वो खोली और उसका पेट दर्द स्टार्ट हो गया है ना जॉनी? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो मगरिब की नमाज पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, एकदम से तुमने खाया ना इसलिए पेट दुख रहा है। मरोड़ आता है ना पेट में दिन भर भूखे रहने से, वैसा हो गया उसको। चलो लॉग इन करती हूँ। चलो करो लॉग इन करो। आई होप सबको वीडियो पसंद है, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप लिखते प्ले सलाफिस गुड मॉर्निंग है। देखो उसकी हालत, देखो बड़ी वाली की हालत, देखो क्या हो गई है। कुछ खा पी लो, कितनी पतली हो रही हो। अच्छा, अभी इफ्तारी में भी नहीं खाई ठीक से। आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। शौहर जी क्या बोलेंगे आप? शौहर जी क्या बोलेंगे आप? कैसा लगा अनु का रोजा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी बोले तो। अरे बाप रे बाप, बेटे छूट रहे ही नहीं एक दूसरे से। उधर एक बेटी जल रही है। तो मुझे तो बोले तो क्या बोलूँ मैं, इतना सुकून, इतना बोले तो दिल को ठंडक लग रही है ना। मेरे को तो लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि मेरी रूह ने एकदम ठंडी हो चुकी है। बोले तो इतना मेरे को खुशी हो गई है कि मेरे जैसे बच्चे ने आज बोले तो सेकंड रोजा है, पिछले साल भी रोजा रखा था, बहुत वो भी पीछे वाली बच्चे ने भी रोजा रखी थी। और ये मेरे बच्चे ने भी रोजा रखा था, इसने भी बोले तो 3 इयर्स की थी तभी रोजा रखा था मेरे ये बच्चे ने। तो वही रहता है, लेकिन वो बोलते ना अभी क्या, अब ये बड़ा हो गया, अभी ये बोले तो इसको खाना पीना भूख बर्दाश्त कर सकती है, सब होता है, लेकिन छोटे बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे खिदमत चालू है। तो ऐसी रहता है, वही है। बहुत बोले तो मेरे को बहुत दिल से खुशी है, और ऐसे कुछ नहीं जबरदस्ती हमने बोले बच्चे को हाँ। रोजा रखो करके, वो बच्चे ने दिल से बोला, दिल तो से। उसके बीच में अपन खलल नहीं डाल सकते, क्योंकि वो भी गुनाह होता है कि बच्चे ने अगर बोला है तो उसका बहुत दिन से चल रहा है ना। बच्चे के दिल में तभी आएगा जब अल्लाह ने डाला है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है। तो वही है, तो उसमें हो सकता है अल्लाह की कुछ उसमें रजा हो इसलिए। और बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र मैं बोलूँ, और मेरे बच्चे के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। क्या मेरे बच्चे ने इतना अच्छे से एकदम बिना सताए पूरा रोज़ा रखा है। अभी थोड़ी खिदमत करेंगे हमारे पापा की, ठीक है? अभी हो गई इफ्तारी, हो गई अभी, है ना? चलो उधर भी थोड़ा ध्यान दो। उस पर तो ध्यान है ही अभी, क्या है ना? तुमको कैसे लगा उन्होंने रोज़ा रखी तो जोया?
बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आज झगड़े नहीं करे दोनों ने, सोया ने आज उसको सताई नहीं बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा गया आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलो अल्लाह हाफिज, बाय टाटा, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। तो बिरयानी आ गई थी और इफ्तारी के बाद मैंने आंटी को बुलाया पैकिंग करने के लिए, प्लेट सब देने के लिए, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो आंटी फटाफट आए और सबके प्लेट्स अच्छे से बनाए और पैक करके दे दिया। जज़ाकअल्लाह खैर आंटी।